आज हम इस वीडियो में रियाजी मजमून की तफरीक का अमल सीखेंगे। अक्सर आपने देखा है कि अव्वल और दुअम के बच्चों को ज़्यादातर तस्वीर पसंद होते हैं, और ये तस्वीर जितने रंगीन होते हैं बच्चे उतने ही जल्दी पढ़ने लगते हैं और दिलचस्पी पैदा होती है। तो चलिए आज हम कुछ इसी तरह से तफरीक का अमल तस्वीरों के ज़रिए सीखेंगे। मैं आपसे एक जुमला कहना चाहती हूँ, होशियार बच्चों को हर कोई पढ़ा लेता है, होशियार बच्चों को हर कोई पढ़ा लेता है, असल मज़ा तो कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने में है। तो चलिए मैं आपको कुछ रंगीन तस्वीरें दिखाती हूँ। यह है ब्लैक बोर्ड है और बोर्ड पर कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं और ये कुछ इस तरह के रंगीन तस्वीर हैं। ये तस्वीर आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए तो पहला देखते हैं कि कैसा है इस तफरीक को अमल को करना है। आप सोचेंगे कि पहला यहाँ पर तीन है, तो ये इसमें यह है तफरीक की कुछ तस्वीर। तो हमें क्या करना है, ये जवाब है तीन। तो इस तस्वीर में से आपको एक तस्वीर ऐसा लेना है जिसका जवाब तीन आता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जवाब कौन सा तीन आएगा। ये क्या है, छः हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। छः में से तीन निकल जाने के बाद में बाकी रहते हैं तीन। तो पहला सही जवाब क्या है इसका, तो तीन। तो बच्चों को इस तरह से हम क्या करेंगे, लगाने के लिए कहेंगे। तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा जवाब क्या है, छः। तो वापस इस तस्वीर में छः ऐसा कौन सा है जिसका जवाब छः आएगा, देखेंगे। तो चलिए छः जवाब यहाँ पर आए, तो हमें इस तस्वीर में छः को तलाश करना है। छः छः छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो ऊपर की इसमें कितनी है, सात है, और नीचे की इसमें कितनी है, एक है। सात में से एक जाने के बाद में कितने रहते हैं, तो छः। तो ये जवाब इसका क्या है, छः सही है। तीसरा जवाब है इसका एक। तो हमें इस तस्वीर में एक आने वाले जवाब को तस्वीर को उठाना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है, ये नहीं है ये। चलिए देखिए, एक दो तीन, तीन के बाद में कितना है नीचे, दो। तीन में से दो जाने के बाद में बाकी कितना रहता है, एक। तो इसको क्या करना है, एक की जगह पर चिपकाना है। इसी तरह से यहाँ पर है पांच आंसर। तो पांच जवाब के आने वाले को इस तस्वीर को हमें क्या करना है, लेना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। नौ में से चार जाने के बाद में कितने रहते हैं, पांच। तो इस जवाब को क्या करेंगे, तस्वीर को यहाँ पर चिपकाएंगे। तो आगे का जवाब है इसका ज़ीरो। तो ज़ीरो ऐसी तस्वीर को तलाश करना है जिसका जवाब क्या आएगा, सिफर। तो चलिए एक दो तीन चार पाँच, नीचे भी देखिए, एक दो तीन चार पाँच। पाँच ऊपर है, पाँच नीचे हैं। पाँच में से पाँच जाने के बाद में कितना रहता है, सिफर। तो चलिए सिफर इस जवाब को क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तो आगे वाला जवाब उसका कितना है, तो दस। चलो दस को तलाश करेंगे, आप कहाँ पर है दस। ये है दस, देखिए गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। बारह में से दो निकल जाने के बाद में कितने रहेगा, दस। तो इसका आगे का जवाब है कितना, दो। तो इसी तस्वीर को हम तलाश करेंगे जिसका जवाब दो आएगा। ये तो नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये आएगा, एक दो तीन चार पाँच। पाँच में से तीन निकल जाने के बाद में कितना रहता है, दो। आगे का जवाब है चार। तो चलिए चार कहाँ है, ऐसा जवाब तलाश करते हैं। एक दो तीन चार पाँच, पाँच में से एक जाने के बाद में कितना रहेगा,
चार। आगे का जवाब है छः। तो ऐसी तस्वीर वहां पर दो बाकी हैं, तो दो में से कोई तो जवाब इसका आएगा। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ में से तीन जाने के बाद में कितना रहेगा? छः। तो सही जवाब को हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिपकाएंगे। इस तरह से पहली और दूसरी के बच्चों को तस्वीर के ज़रिए हम तफरीक का अमल सिखाएंगे।